मैं तेरे को बस एक चीज फील करवा के देना चाहता हूँ। जिस दिन तेरे को तूने ये वर्ड देखा था ना, तेरे साथ क्या क्या हुआ था पता है? पहला यू क्राइड। जिसने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा था ना, और जिसने आज तक फेलियर कभी नहीं देखा था, पहली बार रिजल्ट देख करके ना आंखों में आंसू आ गए थे। ये क्या हो गया मेरे साथ? 10th के अंदर में 90 प्लस वाले, 12th के अंदर में 80 प्लस वाले यहां ना 40 के लिए झगड़ रहे। हाँ, महाराष्ट्र टॉप, 10th टॉप, स्कूल टॉप। क्या किया तुमने? क्या किया टॉप? कुछ टॉप नहीं। यहाँ सारे टॉप धरे के धरे रह जाते हैं। और पता चलता कि जो बंदे ने 30% 40% 50% लेके आए थे, वो बंदा पास होकर निकल रहा। पॉइंट पता है क्या है? उसकी थी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी थी कंसिस्टेंसी। फेल होने के बाद ना बॉस, तुमने सबसे पहले जो मतलब यू नो सबसे पहले जो टूटा था ना, वो टूटा था तेरे पप्पा मम्मी। एक बहुत उम्मीद रहती है बॉस पेरेंट्स को तुमसे। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्लास या अदर चीज को प्रोवाइड करने के लिए सोच के देख करीब करीब 1 लाख रुपए लगा होगा तेरे। 1 लाख रुपए मिनिमम में लगा होगा तेरे को पूरा सीए का, दोनों ग्रुप की क्लासेस, रहना खाना पीना सब मिला करके 1 लाख तो भी लगा होगा क्या? मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम। ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं बोल सकते अपन। ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं बोल सकते। तू सोच के देखना यार, 1 लाख रुपए सेव करने जाए तो उनके लिए पॉसिबल है क्या? 1 लाख रुपए कितना होता और कितने महीने लगते इसको सेव करने के लिए, समझता क्या तुमको? 1 लाख रुपए पर मंथ किसी की इनकम भी रही ना तो वो सेव नहीं कर सकता। दुनियादारी के एक्सपेंसेस है, तुम्हारे घर के बड़े बूढ़ों के दवाई के खर्चे, मम्मी पापा के दवाई के खर्चे, किराना बोल, गैस बोल, इलेक्ट्रिसिटी बोल, रेंट बोल, यू नो उनके पर्सनल शौक बोल, आए गया बोल, किसी की शादी बोल, दिवाली बोल, सब दुनियादारी के खर्चे होने के बावजूद तेरे लिए 1 लाख रुपए बाजू निकाला सिर्फ इसलिए कि तू कहीं जाके कुछ कर सके। बहुत कम लगता है बेटा 1 लाख। देख मेरे को भी ना इसकी अक्कल नहीं थी पहले, अब समझ में आ रहा है क्या होता। पहले ऐसा होता था ना, मम्मी पापा बोलते थे यू नो इधर लाइट चालू है, क्या है, तुमको कुछ है क्या, अपन ध्यान नहीं देते। आज वही जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल खुद को पे करना पड़ रहा ना, तब समझ में आता चुपचाप जाके लाइट बंद करना पड़ता। बस फर्क इतना हो गया, वो लोग बोल देते थे अपने बच्चे को, अपन बोलते हैं कि ये चीज उसको कभी तो रियलाइज हो जाएगी। बस फर्क इतना ही पड़ता है, मतलब ज्ञान पहले भी ऐसा नहीं था, नहीं था, पर अब रियलाइज हो रहा है कि पहले ये सेइंग्स लगती थी, अब ये रियलाइज होता है कि यार ये चीज करनी चाहिए। यू ऑल आर इनफ मैच्योर बॉस इस चीज को समझने के लिए। तुमको हर बार किसी टीचर ने 1 घंटे का मोटिवेशन लेक्चर नहीं देना चाहिए। तुमको रियलाइज कराने के लिए नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बॉस। तीसरी चीज तेरे साथ क्या हुई थी पता है? बुक फियर। इसके बाद तेरे को डेवलप हुआ था बुक फियर जब पहली बार देखा था, क्योंकि अब उतनी ही बड़ी बुक वापस से खोल के पढ़ना तू खुद नहीं चाहता था और तेरे से हो भी नहीं पाता था। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तू बुक खोलता था ना, तेरे को ऐसा लगता था अरे ये प्रॉब्लम में तो ये एडजस्टमेंट, इसका आंसर यही आने वाला है, मेरे को याद है। तेरे को आंसर याद हो जाएंगे पर उधर याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि देखी हुई चीज याद रहती, सॉल्व करी हुई चीज कॉन्सेप्ट में जाती है। तूने देखा था, देखो आंसर पता है क्या है फाइन। अच्छा ऐसा भी होगा, तूने वो प्रॉब्लम देखा था, तुझे फाइनल आंसर भी पता है लेकिन बीच की कड़ियां गायब। ऐसा होगा, बहुत बार होगा, क्योंकि मेरे को लगा है मेरे को पता है बॉस। चौथी चीज जो तेरे आगे चले गई ना, वो थे तेरे ड्रीम्स। 6 महीने से एक अटेम्प्ट, 6 महीने से तेरे ड्रीम आगे बढ़ गए, 6 महीने से तेरी शादी आगे बढ़ गई, 6 महीने से तेरा सक्सेस आगे बढ़ गया, 6 महीने से तेरे यू नो यू लॉस्ट 6 मंथ ऑफ योर यंग लाइफ जिसमें तू कुछ अच्छा कर सकता था। यू लॉस्ट 6 मंथ ऑफ योर हॉबीज इफ यू हैव। एक बता दूं, ये बच्ची को मैं जानता हूँ कि शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर एज वेल, आपको पता होगा नहीं, शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर एज वेल। अब पढ़ाई के चक्कर में जो उसका एक हॉबी है वो गया नहीं है, गया। अब वो लिख पाएगी? नहीं लिख पाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक वो क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर। बट पॉइंट क्या है पता है? मतलब जरूरी नहीं है सीए हमेशा इस टारगेट से किया जाता है कि मेरे को कंपनी में अकाउंटिंग ही करनी। नो, सीए इज ऑल्सो पैशन, और उसके बाद आदमी कुछ कर सकता है, उसके बाद भी कुछ कर सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ सीए एंड अ सिंगर। सब उसको बोलते तू बेवकूफ है, सिंगिंग ही करना था तो सीए में क्यों आया था?
बोलता है सीए आई डिड फॉर माय डैड, सिंगिंग इज व्हाट आई डू फॉर माय सेल्फ। और आपको हाइट पता होगा या नहीं पता होगा, वो दिन में उसके डैड का ऑफिस भी संभालता और शाम में जाकर के कराओके सॉन्ग गाता है। इस पैशन टोटली लिविंग इट। सोचना भाई तेरा भी कोई पैशन और हॉबी था, आज तेरे हॉबी में एक ही चीज मिलेंगी, रीडिंग। व्हाट इंस्टीट्यूट्स मॉडल, सोच भाई सोच, तेरे ड्रीम्स हर चीज से आगे बढ़ गए। अब नहीं किया तो कब किया यार, एक बार सोच के देख बॉस, तेरे फैमिली के बारे में एक बार सोच के देख, तेरे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। यू ऑल नो आपके घर की सिचुएशन सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको पता है आपके घर की सिचुएशंस क्या है। और आप नहीं हुए तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। माइंड भी शायद एक दो साल तक जब आपको मैच्योरिटी आए तब समझ में आए, और तब तक शायद टाइम बहुत लेट हो गया। और मैं स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहूँगा, गर्ल्स और उसमें भी जो मारवाड़ी गुजराती अग्रवाल्स वाले में है कैटेगरी में है, उनको बोलना चाहूँगा, तुम सोच के देखो ना, तुम्हारे बायोडाटा नहीं बनेंगे क्या एक हाथ साल में? तुम शायद 2021 के करीब कहीं होंगे, 18 से 22 के एज में कहीं होंगे, एक डेढ़ साल, ये जिस हिसाब से अपना कम्युनिटी है ना, एक डेढ़ साल निपटो। तुम्हारे को स्ट्रेट एक ही बात बोला जाएगा, बेटा एक अपेक काम करना, ससुराल में जाके पढ़ना। मेरी सिस्टर के साथ हो रहा था इसलिए मालूम है मेरे को, तुमको बोला जाएगा चल बेटा निकल, एक हाथ अटेम्प्ट और दे देगा चल तेरा बापू, उसके बाद क्या बोलेगा पता है बेटा, होता है तो ठीक है, नहीं तो चल दुकान में आके बैठ, चल ये काम कर वो काम कर। पर तू दिल से सोच के देख बॉस, मेरे को कल 3 मैसेज आए, एक शायद नैनीताल से आया था, एक केरला से आया था और एक दिल्ली से आया था, मतलब मैंने उसका नंबर भी सेव कर रखा है। एक लड़का है 17 अटेम्प्ट हो चुके हैं उसके, 17 अटेम्प्ट एंड स्टिल काम करते हुए वो बंदा दे रहा है, बोले क्योंकि सन एंड फ्रॉम हिज, एक था दुबई से आया हुआ, वो यूट्यूब पे हमारे देख रहा है एंड द इंस्टीट्यूट इज सेम, एक बंदा था दुबई से आया हुआ, वो बोलता है सर मैं कितना भी काम कर लूँ बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं 2 मिनट भी खाली रहा तो मेरे को ऐसा याद आती है कि मैं सीए कोर्स में था एंड मेरे को सीए ही करना है, मेरे को पता नहीं मैं कुछ भी करूँगा। वी हैव सीन द केसेस बॉस, वी हैव सीन द केसेस, बच्चा हो गया, बच्चा पहली में गया और बंदा सीए बन रहा है, हमने ऐसे केसेस भी देखे। एक केस जो मैंने एज अ टीचर देखा वो तो सबसे स्ट्रेंज था, वो था बाप और बेटा दोनों एक साथ एक अटेम्प्ट में सीए बने, डैड वॉज ऑल्सो डूइंग सीए जस्ट टू मोटिवेट हिज सन कि तू भी कर मैं भी करता हूँ चल देखते हैं, एंड दैट वॉज एन इंजीनियर। समझ सकते हो लेवल, लोगों का थॉट लेवल इस कोर्स के लिए, डेडिकेशन इस कोर्स के लिए। एंड एक बार तुम मन में, उसके बाद भाई तेरा लाइफ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, मतलब जो लोग सोच नहीं सकते होंगे तू उस लेवल पे होता है। इमेजिन करोड़ों की कंपनी तेरे एक के हाथ में होती है, कहाँ घुमाना है और कैसे घुमाना है तेरे को मालूम होता है। एओ साला तेरे से डरता है कि नहीं भाई, उसको भी मालूम है तेरे पास ज्यादा नॉलेज है इस चीज का। यू आर ए गैजेट ऑफिसर बॉस, भारत सरकार के एक गैजेट ऑफिसर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है। कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए तेरा साइन लगता है, एग्जाम्पल हॉल टिकट, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए तेरा साइन लगता है, तूने साइन कर दिया मतलब यस दिस इज वेरीफाइड एंड डन, इसके बाद इसमें और कोई गवर्नमेंट एजेंसी चेक करने वाली नहीं है। दिस इज द पावर यू विल गेट, एंड विथ ग्रेट पावर देयर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव इट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है बॉस, तेरे को अचीव करना है उसके साथ ही। एक फेल का रिजल्ट तेरे को अंदर तक के तोड़ देता है भाई, सोच एक पास का रिजल्ट तेरे को कितने ऊपर तक लेके जा सकता है। अगर वही रिजल्ट तेरे को अंदर तक तोड़ सकता है पूरा का पूरा, क्या था एक फेल के रिजल्ट से पहले सोच के देख यार, तू हंसता था। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठे हुए आधे से ज्यादा को लाइव लेक्चर में देखा है, वो कैसे नालायक थे। आज तो साला जोक मार दे तो हंसते नहीं, जिंदगी से खुशी नाम की चीज चले गई। गलत बोल रहा हूँ क्या? आधे से ज्यादा को देखा हूं मैंने कैसे थे लाइव लेक्चर में, कैसे खूंखार शेर थे, भूखे, टीचर ने कुछ बोला ना, अपन ने कुछ समझने का, बम जोक मारने के। क्या हो गया रे? हो गया, निकल गई सारी हवा एक अटेम्प्ट में।
जितने लोग लाइव लेक्चर में थे अगर मेरे डायलॉग याद आते होंगे तो मैं बोलता था बेटा पढ़ ले, बाद में ये एक अटेम्प्ट लग गया ना तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी। बस वही पानी लाइफ का सीरियसनेस ना तुमको कभी ना कभी तो पता चलना चाहिए, और अब भी नहीं पता चला ना तो बहुत तुम किसी काम नहीं। देयर इज सर्टेन एज जब तुमको ये चीजें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाना पड़ता है। तुम किसी की, अरे किसकी इच्छा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठाने की? गिवन अ चांस, सबको अच्छा लगेगा किसी बीच पे आराम से बैठे रहो, यू नो स्विमिंग पूल में टब डाल के बैठे रहो, हाथ में एक जूस हो, आहा हा। ये लाइफ में सबको अच्छी लगती है, पर इस अच्छी लाइफ के लिए हर कोई इतनी अच्छी मेहनत नहीं कर सकता। यू क्लियर सीपीटी, यू शोड अ करेज। सोच तेरे साथ जितने वाले थे आधे ने तो सीपीटी में ही दम तोड़ दिया, सीपीटी का अटेम्प्ट दिया, पास हुए तब छोड़ दिया कि आगे नहीं हो सकता, या सीपीटी कुछ पहला टाइम देके फेल हो गए तो ही छोड़ दिया। तूने आईपीसीसी दिया, एक अटेम्प्ट दिया, फेल हुआ, शोज यू आर अ वॉरियर, शोज यू आर अ वॉरियर। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी ना हर जंग जीती जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जंग लड़ते नहीं आता और तुम दोबारा जंग नहीं लड़ सकते। दैट शोज यू आर अ वॉरियर एंड यू कैन डू इट। और उसके लिए ना हर वॉरियर के लिए एक बहुत लंबी प्रैक्टिस लगती है, ताकि जब वो फाइनल जंग में जाए तो मार के आए, खा के ना आए।